हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं यूनिवर्स के आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है एंड पिक अ कार्ड है। यहाँ पर हमारे पास हैं टू कार्ड्स। आपको इंट्यूटिवली वन कार्ड को चूज़ करना है, ठीक है। ये है फ्रेंड्स हमारा पाइल नंबर वन, देखिए, एंड ये है हमारा पाइल नंबर टू। जौन सा भी कार्ड आपको मोर एंड मोर अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको चूज़ करना है। अगर आपको दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ये पूरी रीडिंग चेक कर सकते हैं, और अगर आप किसी एक की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाएं और सीधे अपनी रीडिंग देखनी शुरू कर दें। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। वेलकम पाइल नंबर वन, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा लेडी का कार्ड चूज किया है। 11, 29, 20 and 2, ये नंबर्स, ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आप लोग बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, काइंड हार्टेड हैं। दूसरों को दुखी देखकर आपको दुख होता है। कितना भी कोशिश कर लें आप सेल्फ लव करने की, लेकिन दूसरों के प्यार में आप उनके लिए सब कुछ कर गुजरते हैं बार बार। हम चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 119, 28, 10 कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स अब ना आप में से बहुत सारे लोग रिश्तों की उलझनों से बाहर निकल कर करियर पर फोकस करने के बारे में सोच रहे हैं। लग्जीरियस और अबंडेंट लाइफ आप लोगों का ड्रीम है। लाइफ में ग्रो होना, बहुत पैसा कमाना और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना अब आपका सपना है, एंड ऐसा लग रहा है कि ये सपना आपका बहुत जल्दी सच होने वाला है। आपके गुड कर्मा के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं एंड आपकी लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपकी लाइफ अबंडेंट हो रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है। कुछ क्राइसिस अगर आप फेस कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट चल रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर, तो वो ओवर होने वाले हैं। फ्यूचर में अबंडेंस, लग्जीरियस लाइफ, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, अप्रिसिएशन आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग से मिल रही है। थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एंड इस एनर्जी को क्लेम करें। अगेन देखा, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको, अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ गोल्स बनाकर बैठे हैं या परेशान हैं, या आपका सपना है कि आप दुनिया में बहुत पैसा कमाएं, बहुत रिच बने, तो उसके चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। विक्ट्री की एनर्जीज हैं। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ में आप जी जान लगा रहे हैं उस चीज़ में फाइनली अब सक्सेस, विक्ट्री मिलने का टाइम आ चुका है। 7, 16, 25, 5, 14, 23 नंबर्स और डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं फॉर यू। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है। 32 किसी की एज हो सकती है, 43 किसी की एज हो सकती है, 29 या 28 किसी की एज हो सकती है। फ्रेंड्स डोर टू स्पिरिट है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है आपके गोल्स को अचीव करने में, आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स भेज रहा है, विक्ट्री की, सफलता की। साथ ही में फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि आप, कि आप अगर फेस कर रहे थे बहुत टाइम से डिप्रेशन और एंजाइटी इशू, तो फाइनली उनमें से आप बाहर निकल रहे हैं और बहुत जल्दी यूनिवर्स की हीलिंग वाइब से आप बाहर निकलेंगे भी।
अब हम चेक कर रहे हैं एंजल्स के आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज है रीकंसीडर, आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना, थिंग्स को रीकंसीडर ज़रूर करें। ट्रस्ट, आपको विश्वास रखना है कि आपका काम बनेगा और डेफिनेटली देन बनेगा। वेट, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत और है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो डेफिनेटली हेल्थ और करियर को लेकर सारी ब्लॉकेजेस रिमूव होती हुई दिखाई देती हैं। आगे की लाइफ आप हेल्दी जियोगे, लग्जीरियस जियोगे और अबंडेंट जियोगे। तो यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए ये हैं कि बस जो भी डिसीज़न लें सोच समझ कर लें। श्रद्धा, सब्र और विश्वास की एनर्जी है, ठीक है। श्रद्धा रखें, सब्र रखें, विश्वास रखें, डेफिनेटली आपका सब काम बनेगा। और इन दो एस्पेक्ट में तो आप सडन चेंजेस देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे। ऑल राइट पाइल वन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स, यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स विद मी, जिसकी कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जाएं, जाकर इजीली चेक करें, इजीली व्हाट्सएप करें एंड आज ही अपनी रीडिंग बुक कराएं। एंड डेफिनेटली जल्दी से जल्दी मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन लें। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर। हे पाइल टू, वेलकम। जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा गार्डन का कार्ड चूज किया है, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स आप में से कई लोगों के लिए 2, 11, 29, 10, 19, 28, 1, 20 और 18 नंबर्स और डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 8, 17, 26 भी। आप लोग नेचर लविंग हैं, पेट्स लवर हैं, बर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं, फ्लावर्स, उनकी फ्रेग्रेंसेस, स्काई, वाटरफॉल, हिल्स, बीचेस, ये आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं खुद की तरफ। हम चेक कर रहे हैं यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तब भी रेजोनेट करेगी। ऐसा लग रहा है किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आप हर तरह की कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको आंसर्स मिलने वाले हैं क्लियरली। वो भी लेट्स चेक। हार्ट ब्रोकन, मेरे व्यूअर्स, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टूटे हुए दिल के साथ बैठे हैं। या तो आपका कहीं ब्रेकअप हुआ है या आपने अपने किसी क्लोज्ड वन को बहुत बुरी तरह से खोया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट में आपने जो जो खोया है, स्पेशली कोई इम्पोर्टेंट कनेक्शन और रिश्ता, वहाँ से डिप्रेशन आज भी आपके साथ है। आपके दिल की उदासी, आपके दिल की अलोननेस, आपके हार्ट का पेन बस आप समझ सकते हो। शायद आपके करीबी लोगों को भी नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा पेन में हो। 9, 18, 27 नंबर और डेट्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। फ्रेंड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज भी यहाँ इम्पॉर्टेंट हैं। कोर्नुकोपला की वाइब्रेशंस आ रही हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रही है कि जो भी आपने खोया है, ठीक है, हर एक चीज़ को खोने के बाद रिसीव करना समटाइम पॉसिबल नहीं होता, बट यस, यूनिवर्स के पास सभी सॉल्यूशंस हैं, हीलिंग वाइब्रेशंस हैं, बहुत सारी पैम्परिंग है और बहुत सारी गुड न्यूज़ेस हैं आपके लिए। तो आपके करियर में लेकर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ पर भी कंस्ट्रेंट चल रहे हैं, जहाँ पर भी परेशानियाँ हैं, वो फाइनली रिमूव हो रही हैं विद यूनिवर्स ब्लेसिंग्स। कोर्नुकोपला की एनर्जीज हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने फेस किए हैं मिसकैरेजेस या फिर खोया है अपने बेबीज़ को, तो हो सकता है कि आपको यूनिवर्स की कृपा से बहुत जल्दी दोबारा कंसीव करने की गुड न्यूज़ रिसीव हो। एंड ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली आप लोग लग्जीरियस एंड अबंडेंट लाइफ आगे मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड बहुत जल्दी रिसीव भी कर रहे हो। कोई कोर्स कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा
आपको नॉलेज मिलने वाली है एंड आपकी नॉलेज, विजडम एंड स्किल को लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं. आपके स्पिरिट गाइड्स फ्रेंड्स आपके साथ हैं जो टाइम टू टाइम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको पैम्पर कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं. कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि एंसेस्टर्स का भार हो जिसकी वजह से बनते बनते काम रुक जाते हैं या फिर बिगड़ जाते हैं, बट इस टाइम उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं. तो फ्रेंड्स ऐसे में आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने एंसेस्टर्स की पूजा, उनके नाम की डोनेशंस या जो भी रिचुअल्स आपकी फैमिली में, आपके धर्म, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, उनको रेगुलरली अच्छे से खुशी करें. ठीक है, 44 नंबर और डेट कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. देखो, हेल्पफुल पीपल की गाइडेंस आ रही है. कहीं ना कहीं आपको अपने सराउंडिंग में अगर लगता है कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, तो विदाउट थिंकिंग टू मच आपको वो हेल्प ले लेनी चाहिए. कुछ डिसीजंस आपको सोच समझ कर लेने हैं और वहीं कुछ क्लैरिटीज़ आपको जल्दी से मिलने वाली हैं. अबंडेंस की एनर्जीज यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी आई हैं. तो फाइनेंसेस को लेकर आपके जो भी पेन हैं, कंस्ट्रेंट हैं, फाइनली रिमूव होंगे. और सिर्फ रिमूव ही नहीं होंगे, आप आगे लग्जीरियस, हेल्दी और वेल्दी लाइफ जिएंगे. ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं डिप्रेशन से, तो वो भी यूनिवर्स की कृपा से हील हो रहा है. आगे लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है. एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपके जो काम आपने अब सोचे भी नहीं है कि बन पाएंगे, वो भी बनने वाले हैं. ठीक है, यूनिवर्स बस आपको कहना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें. ठीक है, वेट एंड वॉच करें, ऑब्जर्व करें, चीज़ों को समझें, रिकंसीडर करें. ये गाइडेंस यूनिवर्स की आपको फॉलो करनी है. बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में नहीं रहना है. अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन फील कर रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं, ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं, तो आपको हीलिंग की नीड है या फिर किसी सेशन या काउंसलिंग की नीड है, वो आपको डेफिनेटली लेने चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स, यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स विद मी, जिसकी कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर.